हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष। तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ स्कोडा ऑक्टिविया के बारे में। तो ये कार है स्कोडा न्यू ऑक्टिविया, और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ इस कार के TPMS को रिसेट करने के बारे में। तो किस तरीके से आप इस कार के TPMS को रिसेट कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चारों टायर में हवा चेक करानी है, प्रॉपर हवा होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको इसको रिसेट करना होता है। तो आपको रेडियो को ऑन करना होता है, कार बटन को आपको प्रेस करना होता है। जैसे कि अगर आपने रेडियो पे ऑन किया तो सबसे पहले जो इसका स्क्रीन होगा वो कुछ इस टाइप से शो करेगा। तो इसके लिए आपको कार प्रेस करना होगा। कार सेलेक्ट करने के बाद में आपको आना है, जैसे आप कार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो उसमें सबसे ऊपर जो पहले स्टेटस लॉस ऑफ प्रेशर चेक रियर लेफ्ट टायर प्रेशर, तो अभी ये मेरे को दिखा रहा है चेक रियर लेफ्ट का जो टायर प्रेशर है वो कम है, आप उसे पूरा करें, ओके, और फिर इसको रिसेट करें। तो अभी मान लीजिए अभी मैंने इसको टायर प्रेशर जो है वो ऑलरेडी मैंने इसको पूरा कर दिया है, अब वो बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पर हम इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप मैसेज पढ़ सकते हैं, व्हेन ऑल फोर टायर प्रेशर हैव बीन चेकड एंड सेट करेक्टली प्लीज प्रेस सेट बटन। तो यानी कि सेट बटन है ये वाला, इसको मैं प्रेस कर देता हूँ अगर टायर प्रेशर पूरा होता है तो। डू ऑल फोर टायर प्रेशर मैच द रिक्वायर्ड वैल्यू, तो यह हुआ है, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं कि टायर प्रेशर आपको कितना रखना होता है। तो यहाँ पर सारी चीजें दी हुई है, सो दैट फोर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम कैन वर्क एरर फ्री, ऑल फोर टायर प्रेशर मस्ट बी चेकड एंड करेक्टली सेट, द टायर प्रेशर आर लिस्टन टू स्टिकर व्हेन द फाउंड ऑन द इनसाइड ऑफ फ्यूल टैंक फ्लैप। यानी कि फ्यूल टैंक का जो फ्लैप कैप होता है उसके ऊपर एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ है जिस पर उसकी टायर प्रेशर की पूरी वैल्यू मेंशन की हुई है, कितना प्रेशर आना चाहिए। तो अभी मैं आपको वो टायर फ्यूल टैंक का जो कैप है उसको खोल करके एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसे हमने इसको अभी खोला तो यहाँ पर जो टायर प्रेशर है वो मेंशन किया हुआ है, टायर का साइज भी मेंशन किया हुआ है, 205/55R16 और ये यहाँ पर 32 PSI 32 33 33 46 46 और ये पैसेंजर यहाँ पर मैंशन किए हुए हैं 3+2 और ओनली 3। तो जिस हिसाब से पैसेंजर होते हैं उसी हिसाब से आपको उसका प्रेशर जो है सेट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके टायर प्रेशर को रीसेट करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने अभी इसमें जो टायर प्रेशर है वो 33 कराया हुआ है और यहाँ पर अभी रियर लेफ्ट में अभी भी वो रॉन्ग शो कर रहा है, ओके। तो अभी हम इसे रीसेट करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इसे सेट बटन को प्रेस करते हैं, कन्फर्म कर देते हैं। तो जो लाइट इंस्ट्रूमेंटर क्लस्टर पर अभी आप सामने देख सकते हैं शो कर रही है। तो जैसे मैं यहाँ से इसको कन्फर्म करता हूँ तो लाइट ऑफ। तो इस तरीके से आप इसके टायर प्रेशर को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि इसको रीसेट कर सकते हैं, ओके। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, इस तरीके से आप न्यू स्कोडा ऑक्टिविया में इसके TPMS को रीसेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही साथ हमारे नए सेकेंडरी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नाम है इम्पोर्ट मोटो वर्क्स। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मनीष का टेक्नोलॉजी। तो ये था स्कोडा ऑक्टिविया TPMS रीसेट।